मटर कैसे दे रहे हैं भैया? मटर टमाटर कटहल कैसे दिया भैया? और फूल गोभी? फूल गोभी 40 दिए। आधे किलो इसमें से कर दो, करो आधे किलो। पिछले साल का तो नया रखा हुआ पिछली बार हम अंकल कट्टे तो नए भी चेंज भी करे जा सकते हैं। पिछली बार हम थे ही नहीं। चलो कोई ना, ये भी डाल देना चिल्ली और आधे किलो ये भी कर दो गुलाब। आठ दिन लाने को तो थे पिछली साल भी पर जाली पैर का खरीद जाली तो जाली है जाली दे रहा है कल बिना जाली कल बिना जाली की देते हो हैं सारे नहीं हो आधा किलो ये कर दो। आधा किलो ये वाला भी हल्का होगा उड़ाएगा भारी होगा चिपक जाता है वो चिपकता है ना वो किसी की फेंक के मारा हो तो वो उड़ेगा ही। कल कद ना 3 किलो रंग ना बिको इनको तुलना का अब तुम 3 किलो कट्टा तोल लो कोई कट्टा तोल लो 20 किलो तो कम ना हो जो 25-25 किलो कट्टा 10 किलो की कट्टी आई। बड़े पन्नी में करना यार दो ही पेटी है देखो तुम्हारे सामने ही है और कल लो बेचो हम बस आ जाओ मैं तेरे यहां पे चकल लिख जाऊं। हाँ भैया काली पन्नी नहीं है मगर काली पन्नी नहीं है काली पन्नी डब्बे भी इसी में रख दो आ जाए तो
ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, चले तुम एक किलो गुलाल, गुब्बारे गुब्बारे दुकान पर लगा तो आओ हां देओ ना दुकान जाए दुकान पर ले डाल दे लगा रहा है छाट दे एक लगा रहा है वो। हैप्पी होली दोस्तों, राम राम। आज मैं आया था होली की मार्केटिंग करने, गुलाब खरीदने के लिए। मैंने गुलाब खरीद लिए थे और अपने एक दो सब्जियाँ लिए और बाकी जो आइटम लिए थे वो वाले लेके चले गए हैं पापा सब लोग। तो मैं जा रहा हूँ हाथ निकल के मार्केटिंग से बाहर निकल आए हैं। आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी और आज त्यौहार की बजाय है क्योंकि कल परसों होली है, कल से ही भी वैसे कल की कितनी है परसों की होली है, तो इस चक्कर से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ संभाल के शूट कर नहीं पाया, तो मैं इस चक्कर से चले बाहर निकल के आ गया हूँ। ये देखिए मैं जा रहा हूँ अपने मतलब टेम्पो हुए यहाँ टुक टुक मिलेंगे। देखिए ये आ गए टुक टुक। तो मैंने क्या कर रहा है, मैंने एक आइडिया सोचा है। तो मैं यार पैदल निकलने का सोच रहा हूँ, पर टुक टुक की सवारी नहीं करूँगा, पैदल निकलने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ मम्मी पापा को बुला दिया है, बता दिया है, वो आ जाएंगे यहाँ बैठ के घर पहुँचेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है हमारा घर, तो मैं यहाँ से पैदल की सवारी करूँगा। तो इस तरीके से तो चलिए देखिए मैं रास्ते में आ गया हूँ, लाइन लाइन जा रहा हूँ। मेरा गांव जो है लाइन की पटरी के पास में पड़ता है, तो इससे थोड़ा आसान हो जाता है निकलने में। तो मैं इस तरीके से जा रहा हूँ पैदल पैदल बिल्कुल सीधे। तो दिखाता हूँ मैं आपको सामने का नज़ारा। देखिए बिल्कुल सामने का नज़ारा है, देखिए सामने तक कुछ नहीं दिख रहा है, सीधी पटरी पटरी। चलिए देखिए मैं अपने गाँव खेतों पर आ गया हूँ। ये बच्चे आप लोगों को लगा होगा काम कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, ये खेलने के लिए, वो फुटबॉल वाला खेल करने के लिए लकड़ियों खेल रहे हैं इधर उधर से और बल्ले गाड़ के फुटबॉल खेलेंगे। ये देखिए अगर इन्हें काम दिया जाता तो शायद ऐसे नहीं करते, लेकिन खेलने के लिए देखिए बच्चे और लग कैसे कर रहे हैं। तो यार पल यही है, देखिए अभी इनसे अगर आप कह देंगे ना कोई काम करने के लिए, ये बिल्कुल भी हाँ कह देंगे, नहीं करेंगे हम काम, जो है वो है बहाना बना के भाग जाएंगे। चलिए देखिए मेरे खेत है, खेत की फसल ख़राब हो चुकी है, इसे मैंने पोस्ट करे थे अफीम जो हम कहते हैं सरकारी होती है, ये सरकार से मिलती है हमें। तो ये पूरा है पूरे पोस्ट एरिया है सौंफ, जो हम लोग अचारों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है सौंफ। और ये देखिए पूरा साफ साफ से दिख रहा है सफ़ेद सा, बाकी गिर गए हैं ज़्यादा, बेकार हो चुका है। और यह है बांकला, और ये बांकले की खेती, धनिया फूल गया, सरसों पालक खेती बिल्कुल समाप्त हो चुकी है इस वक्त, अब इसको सब पकने की देरी है। चलिए फ्रेंड्स, पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।